नमस्कार दोस्तों इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सोलर चार्ज कंट्रोलर और सोलर इन्वर्टर में कौन सा ज्यादा बढ़िया है और आपको कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए हमारे पास काफी क्वेश्चन आ रहे थे कि हम सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करें या सोलर इन्वर्टर ही खरीदें तो जो दोनों चीजें हैं वो अपनी अपनी जगह अपना अपना काम करती है तो सबसे पहले बात करते हैं सोलर चार्ज कंट्रोलर की अगर आप डीसी उपकरण को सोलर पैनल की मदद से चलाना चाहते हैं जैसे कि डीसी फैन हो गया या डीसी लाइट हो गई तो उनको अगर आप डायरेक्ट सोलर पैनल की मदद से चलाना चाहते हैं जिससे कि आपको बीच में इन्वर्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सिर्फ आपको सोलर चार्ज कंट्रोलर को इस्तेमाल करना है जिससे कि आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी और आपका जो अप्लायंस है जो भी डीसी अप्लायंस है वो आप सीधे सोलर पैनल पर चला सकते हैं और बैटरी पर चला सकते हैं इससे जो आपके सोलर पैनल से आने वाली सप्लाई है उसको आप ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे और उसकी इफिशियंसी है वो ज्यादा रहेगी तो जो आपको बैटरी बैकअप या सोलर पैनल से आने वाली सप्लाई है वो ज्यादा मिलेगी और दूसरी तरफ बात करें सोलर इन्वर्टर की तो सोलर इन्वर्टर हम एसी उपकरण को चलाने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं जो सोलर पैनल से आने वाली सप्लाई है वो डीसी होती है और बैटरी से आने वाली सप्लाई है वो भी डीसी होती है तो इन दोनों सप्लाई को एसी में बदलने के लिए हम इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं तो जो सोलर इन्वर्टर होता है उसके अंदर एक सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा दिया जाता है जिससे कि हम डायरेक्ट जो सोलर पैनल है वो इन्वर्टर के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं लेकिन अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता दें कि जो सोलर इन्वर्टर होते हैं उनके ऊपर जो सोलर पैनल कनेक्ट करने की लिमिट होती है वो काफी कम होती है मान लीजिए आपने एक सिंगल बैटरी का इन्वर्टर लिया है सोलर इन्वर्टर उसके ऊपर आप मैक्सिमम 600 से 800 तक के जो सोलर पैनल है वो कनेक्ट कर सकते हैं लेकिन अगर आप एक सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं तो आप उस पर ज्यादा पैनल कनेक्ट कर सकते हैं सिर्फ आपको जो सोलर पैनल है वो ज्यादा कैपेसिटी का खरीदना होगा मान लीजिए आपका सिंगल बैटरी का इन्वर्टर है और आपने Normally इसको यूज कर रहे हैं बिना सोलर पैनल के और आपको अभी बाद में बैटरी बैकअप की ज्यादा जरूरत होने लग गई है तो इसलिए आपने उसके ऊपर एक और बैटरी पैरेलली कनेक्ट कर दी तो दो बैटरियां आपके पास हो गई है आपको बैटरी बैकअप तो अच्छा मिलेगा लेकिन जब चार्जिंग की बात आती है तो जो एक सिंगल बैटरी का इन्वर्टर है वो डबल बैटरी को ज्यादा अच्छे से चार्ज नहीं कर पाएगा इसलिए आप उसके ऊपर सोलर पैनल लगाकर और सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाकर उस दूसरी बैटरी को भी या दोनों बैटरी को ज्यादा अच्छे से चार्ज कर पाएंगे तो यहां पर सोलर चार्ज कंट्रोलर का यह फायदा होता है कि आप अगर ज्यादा बैटरी लगा देते हैं किसी इन्वर्टर के ऊपर तो उसे भी दिन के समय में काफी अच्छे से चार्ज कर सकते हैं और ज्यादातर मार्केट में आने वाले जो छोटे इन्वर्टर हैं, उनके अंदर PWM जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो देखने को मिलता है जिससे कि आपके सोलर पैनल से आने वाली सप्लाई है वो पूरी अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं होती है या उसकी यूं कहें कि उसकी चार्ज कंट्रोलर की वो काफी कम होती है इसीलिए एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है उसका इस्तेमाल करें और अगर आप सोलर इन्वर्टर ही खरीदना चाहते हैं तो आप एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर वाला ही इन्वर्टर खरीदे जिससे कि जो सोलर पैनल से आने वाली सप्लाई है उसको वो सोलर चार्ज कंट्रोलर ज्यादा इफिशियंटली यूज करेगा और आपकी बैटरी को चार्ज करेगा और आप जो भी अप्लायंस चलाना चाहते हैं उन्हें चला सकेंगे तो दोनों ही केस में जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो विनर रहेगा क्योंकि अगर आप सोलर इन्वर्टर के ऊपर ज्यादा पैनल कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बड़ा सोलर इन्वर्टर चाहिएगा लेकिन अगर आप एक नॉर्मल इन्वर्टर के ऊपर सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं तो वो आप एक ज्यादा कैपेसिटी का खरीद कर अपने एक पहले जो लगा हुआ इन्वर्टर है उसी के ऊपर ज्यादा सोलर पैनल वो लगा सकते हैं तो सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करने पर आपको जो आपका पहले वाला इन्वर्टर है उसको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसका यह फायदा होता है लेकिन अगर आप सोलर इन्वर्टर खरीदेंगे तो आपको जो पहले वाला इन्वर्टर है वो बेचना पड़ेगा वो आपके किसी काम नहीं आएगा और अगर आपने छोटा सोलर इन्वर्टर खरीदा है तो उसके अंदर जो पीडब्ल्यू एम सोलर चार्ज कंट्रोलर आएगा वो भी इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा इसीलिए आप सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीदें और एक अच्छा सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीदें एमपीपीटी जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो ही खरीदे जिससे कि जो सोलर पैनल से आने वाली सप्लाई है वो भी अच्छे से आप इस्तेमाल कर पाएंगे और जो आपका बैटरी बैकअप है वो भी अच्छा रहेगा तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल हो या किसी सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में जानना चाहते हैं या सोलर इन्वर्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के साथ साथ बैलाइकन को जरूर दबाएं ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे धन्यवाद